हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रॉयल आगरा उत्सव और मैं हूं आपका दोस्त उत्सव। तो दोस्तों, आज ये वीडियो है एक ऐसी बाइक के बारे में जो कि इंडिया की मोस्ट अवेटेड बाइक आप कह सकते हो उसे, क्योंकि ये बाइक है TVS Zeppelin और जो ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस की गई थी दिल्ली में, उसके बाद से ये बाइक जो है वो सुर्खियों में बनी रही है। दोस्तों, इस बाइक का इंतजार जितना हुआ है उतना शायद ही हिंदुस्तान में किसी दूसरी बाइक का लोगों ने इंतजार और बेसब्री से इंतजार किया होगा। जी हाँ दोस्तों, TVS Zeppelin के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट जो है वो जनसत्ता.com से मैंने ली है, यानी कि जनसत्ता की रिपोर्ट है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे दोस्तों के आते हैं, सब्सक्राइबर्स के आते हैं, भाइयों के आते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कहां से फेक न्यूज़ बना रहे हो, क्या चैनल पे क्या वीडियो डाल रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है वो जनसत्ता की है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS मोटर्स ने बीते ऑटो एक्सपो के दौरान अपनी नई बाइक TVS Zeppelin के कॉन्सेप्ट को पेश किया था। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन की क्षमता से सजी हुई इस बाइक के अब प्रोडक्शन वर्जन को तैयार कर लिया गया है। खबर है कि जल्दी कंपनी इस बाइक को मार्केट में उतार देगी। आइए जानते हैं TVS की इस नई क्रूजर बाइक के बारे में। दोस्तों, कंपनी की पहली क्रूजर बाइक है। एक सबसे खास बात यह है कि यह TVS मोटर्स की तरफ से पेश की जाने वाली पहली क्रूजर डिजाइन प्रदान करता है। बाजार में यह बाइक सीधे तौर पर बजाज एवेंजर और जावा क्लासिक जैसी बाइकों को टक्कर देगी। जहां तक बात करते हैं इसकी डिजाइन की, तो कंपनी ने इस बाइक में एक्सटेंडेड फ्यूल टैंक, शार्प टेल लाइट, चौड़े सीट और अत्याधुनिक डिजाइन को शामिल किया है। इसके इंजन वाले सेक्शन को कंपनी ने बहुत ही बारीकी से तैयार किया है। सिल्वर हाईलाइट के साथ ही कंपनी ने इसमें इंजन गार्ड और एग्जॉस्ट का प्रयोग किया है। इसके अलावा इसमें नए डिजाइन का हेडलाइट और चौड़े टायर भी दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी इंजन की क्षमता की, तो TVS Zeppelin में कंपनी ने 220 cc की क्षमता का लिक्विड कूल्ड इंजन फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर युक्त इंजन प्रयोग किया है, जो कि आपको 20 hp की पावर और 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। हालांकि यह पावर आउटपुट कॉन्सेप्ट मॉडल में दिए गए बाइक के अनुसार कुछ, इसमें कंपनी ने फुल LED हेडलाइट और बेल्ट ड्राइव तकनीक का प्रयोग किया है। दोस्तों, बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो कंपनी ने इस बाइक में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को शामिल किया है। इसमें एनालॉग टैकोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज इत्यादि दिया गया है। खबर है कि कंपनी इस बाइक में लॉन्च के समय फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी शामिल कर सकती है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कब होगी लॉन्च और क्या होगी इसकी कीमत। तो दोस्तों, हालांकि लॉन्च से पहले इस बाइक की कीमत के बारे में कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगा और मुश्किल भी होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि कंपनी इस बाइक को 1.5 लाख रुपए तक की कीमत में लॉन्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बाइक को 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। 2021 की शुरुआत का मतलब हो गया दोस्तों, 2021 के फर्स्ट क्वार्टर यानी मार्च के आसपास ये बाइक मार्केट में आ जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।